हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आज की सुनो मैं सभी का स्वागत है। और गाइस, बीच में बहुत बड़ा डिले हुआ, उसके लिए सॉरी। तो आज मैं टाउन हॉल 7 की स्ट्रेटेजी मतलब पुशिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। तो हमारे पुशिंग के लिए जो आर्मी यूज होने वाली है वो काफी इजी है, और आप एकदम आसानी से उस आर्मी से 3 स्टार निकाल सकते हो। तो ट्रॉफी पुशिंग में लिए हमें लूट चाहिए नहीं होती है, फिर सिर्फ और सिर्फ ट्रॉफी। तो अभी मैं आपको वो आर्मी दिखा देता हूँ, ये रही आर्मी। तो गाइस, ये इसी आर्मी के साथ हम अटैक करने जाएंगे। तब अटैक करने के लिए ये आर्मी हम लोग यूज करेंगे। तो चलो, ये मैंने ढूंढ लिया एक और नया बेस। तो अब ये एक डेड बेस है, हमें सिर्फ ट्रॉफी से मतलब लूट से कुछ मतलब नहीं है। तो चलो, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, प्लान है हमारा, यहाँ पर मैं डाल दूंगा ओपी। ये विजिट टावर गया, ओपी खत्म, विजिट टावर और एयर डिफेंस का इस खत्म, और इधर का एयर डिफेंस आधा डैमेज हो चुका है। तो चलो गाइस, एक स्ट्रेटेजी है, पहले आप एक ड्रैगन डाल देना, आर्चर्स डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, फिर बलून्स को डाल देना, जिससे कि बलून्स उन आर्चर्स को ले लेंगे, आर्चर टावर्स को मेरा मतलब। तो यही, और यार मेरी तो गलती हो गई है यार। चलो अब 3 बलून्स, 2 बलून्स आई मीन। और गाइस, आप लोग सीसी में बलून्स ले लिया सकते हो, या फिर आप ड्रैगन भी ले सकते हो। इधर से किंग छोड़ते हैं, किंग की एबिलिटी भी मारते हैं जिससे कि जल्दी हो। तो हमारे सारे बलून्स मर चुके हैं या फिर जिंदा है। ओके यार, ये एयर डिफेंस काफी डैमेज कर रहा है यार। ड्रैगन्स का नेक्स्ट टारगेट क्या है? एयर डिफेंस, अरे टाउन हॉल पर जा गया यार। चलो, हमारे पीछे से ड्रैगन आ चुके हैं आराम से। गाइस, इधर हमारा पहला स्टार हो चुका है और खत्म दूसरा स्टार। अब ये क्लीयरिंग आउट हम लोग कर देंगे इन ड्रैगन्स के साथ। जैसे कि ये क्लियर हो जाएगा तो ये बेस हमारा है, टोटल 3 स्टार बेस। तो गाइस, ये आर्मी सिर्फ और सिर्फ ट्रॉफी पुशिंग के लिए है, और अगर आपको लूट के लिए चाहिए तो उसके भी मैं एक वीडियो बना के दूंगा आपको। बस आपको कुछ नहीं करना, कमेंट में लिखना है कि हमें इस वाली वीडियो चाहिए। तो गाइस, होप करता हूँ कि आपको आज का वाला वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर से एक लाइक और एक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना, जिससे कि ये वीडियो वायरल हो सके।